प्रमाण देकर के आपके सामने रखते हैं। संबत 2000 के ऊपर, 3000 के ऊपर नहीं, 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। अकाल मृत्यु होगी जब नहीं, प्रजा बहुत मरे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो महापुरुषों की सिद्ध और सत्य वाणी से मतलब है कि उन्होंने क्या कहा वो सत्य है या नहीं। सहस बरस कुन सज्जुग आवे, धर्म की बेल बड़े, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। हजारों वर्षों के लिए सज्जुग आएगा इस कलयुग में और कलयुग अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सज्जुग लग जाएगा। सोवरण फल पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। काल जाल से कोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास यह हर की लीला तारों नाई करे। सूरदास ने 1000 बरस के लिए या 1500 बरस के लिए संबत के लिए क्यों नहीं कहा, यही उन्होंने क्यों कह दिया कि संबत 2000 के ऊपर। उधर मुसलमान फकीरों की किताबों में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में कोहराम मचेगा, कोलाहल होगा, त्राय त्राय मचेगी। उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, सारे इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि विशेष जाति को सुनाया जाएगा, इंसान जाति को। जो भी आदमी वो इंसान, जो भी इंसान वो आदमी, जो भी इंसान वो मनुष्य। वहां मनुष्य और इंसानों की बात की, किसी छोटे मोटे आंकड़े और समुदाय की बात नहीं। सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। रामायण कहती है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा। मनुष्य रूपी मकान में विशुद्ध पवित्र आत्माएं उसके हुक्म से भेजी जाएंगी और उनके द्वारा धर्म की स्थापना होगी। उधर ईसाइयों की किताबें कहती हैं कि मैं जमीन पर आऊंगा, मेरा इंतजार, जब तक नहीं आता हूं तब तक गरीबों की सेवा और उसकी प्रार्थना करते रहे। ऐसा मालूम होता है कि तीनों आचार्यों ने, तीनों देवताओं ने, तीनों अवतारी शक्तियों ने ये उन्होंने देखा और साथ ही साथ सूरदास ने भी देखा और लोगों ने भी देखा। इतना समय तो मेरे पास नहीं है, तो जब उन्होंने देखा तो समय का पूरा आपको दृश्य सामने खींच करके रख दिया। अब ये ठीक है कि अपने पास में समय नहीं, बुद्धि नहीं कि हम आत्माओं के नजदीक बैठकर कुछ अच्छी बातों को दूर तक सोचें और समझें, विवेक और विचार करें, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फकीर महात्माओं की बातें कभी मिथ्या नहीं होती। इस पर हम सब लोगों को धरती
के इंसान और आदमियों को, ये तो धर्म क्षेत्र का स्थल है, धर्म क्षेत्र भूमि है और ये धर्म प्रमाण एक अड्डा है और ऋषियों मुनियों का एक यहाँ जमघट हमेशा लगा रहता है, उसका हमें सबको गौरव का अभिमान होना भी चाहिए। और वो लोग उनके कभी वचन वाणी कलाम गलत मिथ्या झूठ नहीं होते। बाबा जी ने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी, उसी में लोगों को संदेह हुआ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो ये कहा कि पांवों का घड़ा भर गया, आप लोग इसका प्रयत्न करो कि पापों का घड़ा भरे नहीं। एक कंस ने बच्चे सात मार दिए, उसके लिए कृष्ण भगवान को जन्म लेना पड़ा। ऋषियों का खून लिया गया, उसके लिए राम को जन्म लेना पड़ा। जब आपकी किताबें जिनको हम सिर माथे रखते हैं और पूछते हैं, जब वो कहती हैं तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गए, कलयुग का काफी कई हजार का समय बीत गया, मुसलमान सम्राटों का समय चला गया, 700 वर्ष, अंग्रेजों का 150 साल, क्यों भाई यही समय क्या ऐसा आया था? ये सब सृष्टि तो भगवान की है, उन्होंने तो किताबों के जो शास्त्रों में लिखा है कि मैंने सबकी किस्मत और कारक बनाई, तकदीर बनाई, उनके लिए सब सामान रखा, सबको विश्वास दिलाया जा रहा, ऋषि मुनि महात्मा किताबों से और अपना, तो जब सब कुछ उसने आपके पालन पोषण के लिए रख दिया जन्म पत्री बनाकर, फिर उसने ये कहा कि मैं किसी को सोने नहीं देता हूं खाली पे, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, सबको जब रात को सुनाता हूं तो उसके पेट में कुछ न कुछ डाल देता हूं, जहां भारत का धर्म, भारत का ज्ञान, भारत का विश्वास, ये आपको बात याद दिलाता हो तो क्यों भाई ऐसी बात क्या आ गई? जरूरत पड़ गई कि देश में आबादी ज्यादा बढ़ गई, अब अन्न नहीं है, अब चीनी नहीं है, अब चावल नहीं है, अब गुड़ नहीं है, और अब ये नहीं है, अब ज्वार मक्का बाजरा नहीं है, ये सब ऐसी बातें क्यों आई? इससे मालूम होता है कि धरती को आपने नाराज किया,